मॉर्निंग गाइस, अभी उठ चुके हैं, सोकर स्ट्रीम करने बैठेंगे। भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मम्मी ने 8 बजे उठा दिया एकदम। नींद आ रही है और इतनी जल्दी उठा दिया भाई, आंखें कुछ नहीं खुल रही है। मेरी चाय भी आ गई है, फिर स्ट्रीम करनी है जल्दी से। अभी देखो कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं गाइस। तो फटाफट गाइस उठकर मुंह धोकर स्ट्रीम करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं फटाफट, उसके बाद चलते हैं मुंह धोते हैं फिर स्ट्रीम करते हैं। और आज गाइस एक स्पेशल इवेंट में जाना है मेरे को, आज 17th of October है, तो आज एक स्पेशल इवेंट में जाना है मेरे को और एक स्पेशल फ्रेंड है मेरी उसको। तो आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ब्लॉग को लाइक कर दिया करो यार, ब्लॉग को देखते ही। ठीक है, चलो गाइस आगे की तरफ चलते हैं सीधा। गाइस अभी मुंह धोकर बैठ चुके हैं स्ट्रीम करने, लेकिन अभी मास्टर भाई ने बताया कि 1:30 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है, जो भी आज एक इवेंट है 1:30 तक मतलब पहुँचना है। और 12 बजे तो मेरी स्ट्रीम ही खत्म होगी, उसके बाद आधे घंटे मेरे को नाश्ता वास्ता करने में, आधा घंटा नहाने में, तो 1 बजे तो मैं घर से निकलूँ। फिर मुक्ति को भी पिक करना है और मेरे को नहीं लगता मुक्ति इतना जल्दी उठती होगी, 1 बजे 1:30 बजे से पहले उठती होगी वो। तो भाई आज शायद इवेंट में लेट होने वाला है, क्या होने वाला है वो तो तभी देखेंगे, अब आगे क्या होता है वो तो देखना गाइस तुम भी। तो चलो फटाफट अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करके फिर ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी और फिर चलते हैं सीधा नहाने, नाश्ता वास्ता करके एकदम। गाइस ये आ गया अपना नाश्ता, चाय और मेथी के पराठे, मतलब अगर तुम लोगों को पसंद है अच्छी बात है, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रहा बटर, मेथी के पराठे खाएंगे चिक करके, फिर उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर निकलते हैं राइड पे। पहले तो मुक्ति कॉल नहीं उठा रही है, लेकिन अपनी एक और फ्रेंड वहाँ पर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई रेडी वेडी होकर कहाँ जाने का प्लान था बिना बताए? बोल दिया था पहले तो। अबे रहने दे, वो तो धप्पा बोल दिया मैंने, घर पे आ गया मैं एकदम। गाइस ये बताओ फॉर्मल में अच्छा लगता है या कैजुअल में? तू अच्छा ही नहीं लगता, तू है ही क्यों, तू अच्छा ही नहीं लगता। घड़ी बांध दे, देखो इसे घड़ी बांधने भी नहीं आती यार, इधर से आ नहीं रही। बताना किधर से स्मार्ट लग रहा है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, और ये बिना बताए जा रहा था। अरे बताया था ना चूते, चूते क्या बना रहे, एक भी फोन दिखा दे तेरा आया हो तो। देखा गया तो तैयार हो गए, कहीं जा रहा है पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे शादी में जा रहा है। शादी में जा रहा है क्या? लग नहीं रहा शादी में जा रहा है ये। तेरी ये तो परफ्यूम कौन सा बता दो, कहाँ से मिला था ये तो बता दे। ये बहुत बस बता नहीं सकते इसके बारे में, कहाँ से गिफ्ट मिला था ये। भाई ये स्मार्ट हो गया, इसे स्मार्ट नहीं करना, चूतिया करना है, चूतिया बनाओ इसका, इधर से कहीं से नहीं हिलना चाहिए, ये कड़क रहना चाहिए। शाम तक कड़क है भाई, शाम तक कड़क रहेगा क्या? नहीं रहते ना मेरे कड़क। अबे इधर से तो सही लग रहा है तू, इधर से सही लग रहा हूँ क्या? इधर से चूतिया लग रहा था, देखना इधर से सही लग रहा है ना, और इधर से देखो इधर से चूतिया लग रहा है। बता देते अब तो, बता दे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बता तो। एक बार फिर बता देना, इवेंट बजा रहा हूँ। कौन सा? ये कल पता लग जाएगा, कॉन्फ्रेंस है बस, कल ब्लॉग में देखना। चलो कल ब्लॉग में देखना क्या होगा आज, क्या नहीं होगा, खाना आ जाना है बस, और कुछ और कुछ नहीं करना। क्या बोलना थोड़ी है, स्पीच थोड़ी देनी है, अगर देनी पड़ गई तो देनी पड़ गई तो दे देंगे। क्या बोलेगा स्टार्टिंग में? ओ तेरी, और फिर वो तुरंत बोलेंगे रोम साइड रोम में बजाओ फिर, है इधर आने की जरूरत नहीं है। ये देखो गाइस तुम मुझे ज्ञान दे दो हेलमेट पहनने का, जो भाई देश की रक्षा कर रहे हैं वो हेलमेट नहीं पहनने दिल्ली में, देख रहे हो? ये देखो गाइस कहाँ हेलमेट, बताओ कहीं हेलमेट दिख रहा है, है? और तुम मेरे को कहते हो हेलमेट पहनने के लिए, अब बताओ भाई यार, ये अच्छी बात नहीं है ना फिर, ये हेलमेट पहन नहीं रहे और हमको हेलमेट पहनवाने की कोशिश करवाते हैं। देखो यहाँ पर ये सारी एम्बेसीज है, ठीक है सारी एम्बेसीज है यहाँ पर, देखो कितना बढ़िया लगता है भाई, यहाँ पर पूरा क्लीन एकदम बढ़िया करके, अपना दिल्ली में तो भाई दे कचरा और दे कचरा है भाई, पूरा क्लीन है यहाँ पर रोड एकदम कड़क। सो गाइस यहाँ पर हमारा लूडो का मैच है अभी, मैं ये रहा संजय भाई है, निरंजना भाई है, और एक नाम है भाई विश्व भाई। पूरा लूडो का इवेंट चल रहा है स्वीडन एम्बेसी में,
सारे फ्री फायर वगैरह के क्रिएटर्स, जीके भाई के क्रिएटर्स भी आ रखे हैं काफी ज्यादा। सो गाइस, अब रोमियो गेमर जो है और मेरा वर्सेस होने वाला है। रोमियो जीतेगा लूडो में मेरे से। मेरे बैच में नहीं है, मेरे स्लॉट नहीं है, मेरे साथ तो लड़कियां हैं गाइस। अरे यार सही है यार, रोमियो इसलिए खुश हो रखा है मेरे को, क्यों मेरे इसमें कोई और ही है भाई, मेरे इसमें भी बंदे नहीं आए चार, पता है मैं सीधे जीत गया। देखते हैं कौन सा जीता और ये रोमियो मिला। वैसे मोस्टली सबने ब्लैक पहना है, हमारा ड्रेस कोड था सेम ही। ब्लैक बोला था गाइस, मैं फॉर्मल पर ऐसा लग रहा हूँ यार, मतलब ये फॉर्मल में आया है, फॉर्मल तो नहीं है, सेम ही फॉर्मल है। ये देखो भाई वेस्टर्न है इसके, ये वेस्टर्न लुक आता है ठीक है। तो पहले राउंड में जीत गई। तू जीती है? हाँ मैं जीती हूँ। तेरा क्या हुआ? सेकंड आया मैं। सेकंड आया? ओ तो तू अभी सेकंड राउंड नहीं जाएगा। लड़कियों को जीतने देता हूँ ना, बोला ना बड़ा वाला लूडो मैंने। सर्टिफिकेट मिल गया क्या तेरे को? हाँ। लूडो चैंपियन है दिल्ली की, लूडो किंग। ये देखो गाइस इतना बड़ा लूडो। सो गाइस यहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे नाश्ते जैसा कुछ है ही नहीं। रोमियो क्या है ये चिप्स? ये है क्या है ये? देख देख खा के देख, सही है यानी देख, अच्छा है ये वाला। देख ये क्या है, ये क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला बहुत सही लग रहा है। ये मिर्ची है क्या उसके अंदर? मिर्ची तो नहीं क्या है ये क्या है, क्या है, क्या है? बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत गंदा है तेरी कसम। ये वाला नहीं, ये वाला गंदा है। ये क्या है वो? बाकी बाकी का बचा हुआ क्या करना है? झूठा करके यही छोड़ दे, छोड़ दे। तो रोमियो कैसा लग रहा है टट्टो के कोफ्ते खा के? स्वीडन की, स्वीडन की फेवरेट डिश है वो टट्टो के कोफ्ते। स्वीडन वालों को ही खिलाओ, इधर मत लाओ, इंडिया ये पास मत करो यहाँ। ये खा रहे भाई, ये ऐसा होता है ना भाई, शादी हो रखी है, घर में बीवी की मार भी खा लेता तो ये भी खा ही लेता। अरे आगे भाग गए वो लोग, रिएक्शन नहीं दिए वीडियो के सामने, रिएक्शन नहीं दिए, भाग गए। खा के देखो, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अरे 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 अरे, ये आदमी की क्या है, कोलकाता पावर क्या था वो? कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा चलते, सबको खिला दिया यहाँ पे हम लोगों ने, सब लोग मुंह टेढ़ा करके गए, सबको बर्बाद कर दिया। रोमियो से शुरुआत हुई, आखिर आखिर तक सब तक, ये क्या पता नहीं। साथ है रोमियो, ये भी लूडो खेलने आया था और यहाँ पे, हाँ ये तो दिल्ली में ही रहता है तो इसको टेंशन नहीं था। AWM किंग यहाँ पे लूडो खेलने के लिए आया है, अब क्या कहना चाहोगे? अब क्या कहना चाहोगे भाई? देखो सिंपल सी बात है, अपना लाइव स्ट्रीम छूट गया है। हाँ यार लॉस करवा दिया मेरा, पता है पल पल कीमत बढ़ती जाती है लाइव स्ट्रीम की, एक एक करोड़ की लाइव स्ट्रीम छोड़ता हूं। यहाँ पे लाखों का लॉस हो चुका है रोमियो का। तो रोमियो भाई आपको केस करना है? भाई देखो सिंपल सी बात है, स्वीडन एम्बेसी पे केस मेरा ही जाएगा सबसे पहले रजिस्टर। सबसे बड़ी बात भाई, इतना बढ़िया बाहर मॉल है साले, वहाँ फोटो ना खींच भाई, हमारी कसम इतनी गंदी गंदी डिश ट्राई करिए ना यहाँ पर, जिंदगी में नहीं खाई मैंने। दिल्ली का तो भाई फूड एक नंबर है, 11 बजे का रखा हूँ यहाँ पर, मंदिर नहीं गया। 11 बजे क्या बे भाई, मेरी कसम मैं ढूंढ रहा था बहुत सारी एम्बेसी घूम कर आया हूँ। और हमने तो जानबूझ के हार गए थे, हम तो जानबूझ के हार गए थे, हम चाहते हैं नारी शक्ति सब पे, सब पे भारी। हाँ इसीलिए इसीलिए हम जानबूझ के हार गए थे। अरे अच्छा है, अच्छा है, मेरे को भी उल्टा हो गया, मेरे को पक्का उल्टा ही। मिर्ची मिर्ची मत, क्या है? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मास्टर जी, टेस्ट करो वो वाला। सो गाइस फाइनली नथिंग फोन के जो को फाउंडर है, ओनर है, वो हमको मिल चुके हैं। योर गुड नेम? ली वाई। ली वाई इनका नाम है, ली वाई। कैन यू शो मी योर नथिंग फोन? रुको अभी मत आओ, रुको जरा। ये देखो गाइस ये वाला फोन अभी कितना ट्रेंड हुआ था एक टाइम पे, तो उसके ओनर हैं जो हमको मिल चुके हैं।
और मतलब दिल्ली में रुके हैं बेसिकली. इज फ्रॉम चाइना. लिटिल बिट हिंदी. ही स्पीक लिटिल बिट हिंदी. नॉट यट. कैन यू से समथिंग इन हिंदी. मतलब किसी से पूछते ना कि तुम्हारा कौन सा नंबर है भाई, तो पहले वाला है, अभी वाला है. अच्छा ये दोनों भाई नहीं भाई, हिंदी चीनी भाई भाई. हिंदी चीनी भाई भाई. हिंदी चीनी भाई भाई. हिंदी चीनी भाई भाई. ये तो सही था. सही नहीं था नयन, बहुत सही था. हिंदी चीनी भाई भाई. हिंदी चीनी भाई भाई. ये भाई ब्रो कोड हाथ में हैंडशेक. ये एयरपोर्ट्स. हाँ इन होटल. सो गाइस अभी इवेंट हो चुका है खत्म, ठीक है. बहुत सारे लोगों से मिला हमें. ज्ञान भी आ रखा था, हैप्पी प्रिंस भी आ रखा था, नयन आ रखा था, जॉन्टी भाई आ रखे थे, पहाड़ी आ रखा था, तो काफ़ी लोग आ रखे थे. सबसे ही मिला मैं, ठीक है. और लूडो वगैरह खेला, लूडो वगैरह का गेम था, तो बढ़िया मज़ा आया. अभी चल रहे हैं घर की तरफ. मुक्ति देखा तुमने कितनी लेट आई गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट आई. जब इवेंट पूरा ख़त्म हो गया ना तब मुक्ति आई, ठीक है. और जो मेरी फ्रेंड थी हुस्ना, उसने लूडो का टूर्नामेंट जीता. जो यहाँ पर टूर्नामेंट था लूडो का, बेसिकली मेरे को तो पता ही नहीं था यहाँ लूडो का टूर्नामेंट है. और ये कुछ गुडीज़ दिए हैं हमको लूडो वालों ने. ये सब मैं तुम्हें घर जाकर दिखा दूंगा कि क्या दिया है. अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ. अभी जाम वाम लग रहा है दिल्ली में काफ़ी, ठीक है. सबके सब होटल गए हैं क्योंकि कोई भी इनमें से दिल्ली नहीं रहता. मुक्ति भी नयन के साथ होटल चली गई है, तो ये सब होटल की तरफ गए हैं. फिर देखते हैं आज रात का क्या प्लान बनता है. अगर कोई पार्टी वगैरह का प्लान बना तो अपन ज्वाइन करेंगे इन सबको. बाई चांस अगर नहीं बनता है तो अपन फिर रात को अपने दोस्तों को ज्वाइन करेंगे, और क्या करेंगे रोज की तरह. चलो भाई सीधा घर पर चलते हैं अभी फटाफट. हाँ भाई आ गया मंदिर से. चाबी. सुबह क्यों नहीं जाता तू मंदिर? सुबह कौन जाएगा इस आज बिजी था. चाबी भाई सुबह नहाना पड़ता है ना, इसलिए शाम को जाता है. सुबह नहाना इनकी बस की नहीं है. सुबह माँ कसम नहा के गया था. बोले कोई नहीं गाइस, दिन में कभी भी जाओ लेकिन जाना जरूर चाहिए मंगलवार को एक बार. अभी चल रहे हैं डोसा खाने, क्योंकि तुम्हें पता है इवेंट में सारा कुछ खाने को मिला बेकार खाना. चलो फिर चलते हैं. तो गाइस हम यहाँ पर आते हैं डोसा खाने. ये वाला डोसा खाते हैं हम, पनीर बटर मसाला डोसा. सबसे बेस्ट लगता है मेरे को खाने में. मस्त डोसे की दुकान है. कितने टाइम हो गया हमको यहाँ खाते खाते? 6-7 महीने हो गए. एक अग्रवाल और एक दूसरा यहाँ का डोसा. ये अलग ही यूनिकनेस देते हैं डोसे में, एकदम यूनिक डोसा बनाते हैं. प्याज वाज डाल दो सब. वहाँ तुम्हें पता है कितना चूतिया खाना खाने को मिला मेरे को. इतना चूतिया खाना बहन करण कभी जिंदगी में नहीं खाया मैंने. और मैंने फिर सबको खिलाया वो चूतिया खाना. अब पता क्या था, एक पिंक वो थी चलते ऐसे वो स्ट्रॉबेरी टाइप, ऐसा लगेगा देखने में वैनसिप का मस्त है. जितनी चूतिया थी इतनी चूतिया सबको मिलाई थी खाने में, तो बता रही वैनसिप स्टूडेंट भी देखती गाड़ भरा है सूट. गाइस ये देखो तूफान का देवता, आसमान का देवता गिर जाया करना रे. ये बहन का लंच करेगा भाई. एक बार हाथ छुड़वाने को बोलो यार इससे. तब यार तुम सब यार बड़ा हंस रहे हो यार. बहन चोद वो बता अगर मैं अंदा देती उसने आज बहन चो मोटो जीपी हो गई दुर्गापुरी में. मोटो जीपी दुर्गापुरी भाई ने पूरा ऐसे कर दिया. ये भाई कह रहे रुक सक भाई. मेरे भाई भाई वो भगवान बजरंग बली ने बताया ना, सही बता रहा हूँ मैं. इसका जो हाथ स्टैंड हुआ है मुक्ति रिपोर्ट हो गया. करण ऐसे क्यों करता है यार? अरे बहन का बोल थोड़ा विदेश वाले को भाई डरी नहीं है कोई कोई सीखा है क्या? अरे यार ये गदापुरी पदापुरी का हुआ बसड़ी के अंदर गदापुरी पड़ती है. अरे बहन का बोल थोड़ा गदापुरी. हां भाई कहां काट मरा रहा है सुबह से? मैं तो बीमार था. तू कहाँ गाना मरा सुबह से? एक भी कॉल आया नहीं है ना? ऐसा दो उठ के ही अभी आ रहा हूँ. बीमार पड़ा था, बुखार हो रहा था. बीमार कैसे हो गया तू?
यार कल इंजेक्शन लगा रात को बारिश हो गई बहन चो ठंड पकड़ ली तेरे को ठंड भी पकड़ लेती है हमारी तो छोड़ तू का गाना रहा था ये बता पहले चूतिया इंतजार है गाइस सुबह कपड़े भी नहीं बदले मुंह धोया तूने साले रात को सोया हूं हम मुंह तो धो लिया था भाई लग रहा है इसकी शक्ल देख कुत्ता मुंह तो रहा है इसकी शक्ल पे बहुत सड़ी है तेरी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है खुद तो बात स्मार्ट नहीं हो गाइस कमेंट करके अपने आप ही बड़े बोल मिट्टी में आ रहा है अपने आप ही अपनी बड़ाई मारता रहेगा बेटा देख रहा है हरे कलर की बाइक शकल खूबसूरत लड़कियां नहीं बटेंगी तो कैसे कितनी, क्या होगा कितनी तो? बड़ी गलतफहमी गलत ये देखो बहन किरण का 9 महीने का बच्चा इसके पेट में बहुत चला रहा है आज इसकी गांड फाड़ दूंगा इस बताओ दुपट्टा दू ले लो उसको कहां गया था तेरे को हर चीज बताऊं ओ सुड़ी के क्यों बता नहीं सकता मैं वो क्या कर रहा है घर पे वो मंदिर होया है क्या मंदिर अबे हमारे भी घर चूतिया ही दिन जाएगा बाबा सही है बल्लू के बिना चूतिया ही दिन जाता है बल्लू यार इवेंट में मिस तो करा तेरे को लेकिन क्या करे बहन किरण तुम ऐसे सकल वाले बंदों को इनविटेशन नहीं भेजते ना क्या के बैग से भागो यहां से गुरुवार ही आ गए नहीं नहीं गाइस चूतिया इवेंट था उतना ज्यादा अच्छा नहीं था बोर हो गया क्या लग रहा है तेरी सकल से टायर्ड हो गया पूरा अभी देखते हैं रात को अगर पार्टी हुई तो क्योंकि अपने फ्री फायर के बंदे आ रखे हैं तो जाएंगे अपन चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं आई होप करता हूँ आपका आज का व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब और कल वाला व्लॉग कैसा लगा वो तो पूछ लो तो पूछ लेने वो तो बता दो बोलना तो सीख ले तुझे चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ सभी को गाइस बाय बाय लव यू ऑल यार सभी को ठीक है गाइस बाय मिलते हैं कल के नए व्लॉग में